सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्सत उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। क्या करें? हाँ, दाना रख देते हैं और पानी भी रख देंगे। हाँ हाँ भैया, ये बड़ा ठीक है। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? हाँ। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, क्या करें? हाँ। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। भैया मैं भी करूं? श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। भैया मैं भी करूं? रुक जा, पहले मुझे साफ तो करने दे। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। हुँ, हुँ।
अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़िया खड़ी होंगी कैसे? क्या करूं? क्या करूं? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी, केशव ने झुंझला कर कहा। ओफो, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। ठीक है भैया। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। ये ले भैया। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। हाँ। और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। चलो लेटो लेटो सो। बाहर बहुत गर्मी है, अब लेटो, आंखें बंद करो। चलो लेटो, सो जा सो जा। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहां। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे। चल चल उठे, माँ सो गई है। ठीक है भैया। और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। भैया, उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्नेस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। पकड़ तो रही हूं। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्नस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा
कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। ठीक है भैया। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। ये लो। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। ये लो। और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। सच? दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो चार सरना हो जाते। हो जाते हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? अम्मा जी। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। बाहर गर्मी है, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। चलो लेटो, सो जाओ, चलो आंखें बंद करो। चल चल श्यामा मेरी बेटी।
कहना मानेगी, चल जा आंखें बंद, शाबाश शाबाश, दोनों सो जाओ। मां ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। शाबाश शाबाश, सो जाओ। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। चार बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। क्या? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेज सर में, देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। हाँ? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली, इन्होंने अंडों को छुआ था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो वहां पहुंचा कैसे? चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। तू स्टूल था मैं नहीं खड़ी थी? तुमने तो कहा था। तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी।
नादान दोस्त। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन संजय कुमार सुमन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख मुंशी प्रेमचंद, कलाकार नीरज यादव और सादिया खान, बाल कलाकार अर्पित और तृप्ता, ध्वनिंकन अमिता भट्टी और बटिलेंगलिंग दो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन।